बराबर है यार, यहाँ खड़ सकते भैया। तुम लोगों पे मारो, मैं बगल लोगों के मारता हूँ, हनुमान को देना है। अभी नहीं लगेगा मारते हैं बगल लोगों को, तो घंटे मेरे को बहरा होगा लगे मेरे। मेरे भाई हाँ मालूम है, तो शामी धक्के मार देना यार। तुम पर भाई देखिए जी, मिले साहब। मैंने सुराग भी आ गया जिस दिन देवीरपुरा इलाके में डी सी डी का जो बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, या कुछ प्राइस भी होते हैं, सॉरी डी सी डी का काम हो रहा है, और ये नदी पे जी मॉडलिंग का नाला जी मॉडलिंग डी सी डी बाइंडिंग
बहरहाल इसके लिए नतीफे मिलत बैरिस्टर मजलिस पार्लियामेंट ने कमिश्नर पंडिया से नुमाइंदे किए थे, कई महीने लग गए इसका टेंडर प्रोसेस में था। टेंडर निकाल करने के बाद रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, आखिर में परसों टेंडर डाले गए, कमिश्नर बन दिया, यहाँ पर हम काम का इफ्तिताह हुआ, काम का आगाज भी होगा। इस सिलसिले में हमारा जो डिमांड था असोती नवीन साहब जो लिटर दिए थे माता खिड़की से गंगानगर से लेके ये आगे यासिन जंग की मस्जिद तक ये पूरा साफ करना है इसको और वाइंडिंग करना ना देगी तो पूरा साफ करके फिर सिलाब डाल देना। तो इसमें 1,57,00,000 97,00,000 का जो एक एस्टिमेट सेंक्शन हुआ जिसके काम का आगाज हुआ। अब ये 1.5 करोड़ के करीब और एक टेंडर है जो माता खिड़की से यहाँ तक दक्षक स्कूल तक वो काम शुरू होने का है। इंजीनियर के जरिए हम दौरा करके एरिया देखिए, हमारी पूरी कोशिश है गंगानगर से लेके ये यासिन जंग मस्जिद तक, क्योंकि कई बरस हो गए 30-40 साल से ऊपर का अच्छा हुआ ये नाली को सफाई नहीं, सिलाब तोड़ के सफाई करके फिर सिलाब डालने का काम है। इंशाल्लाह ये काम की तकमील कराने के बाद मैं समझता हूँ एक 10-15 साल तक हमको ये मिलेंगे, इतना रहेगा पानी नाली का ओवरफ्लो नहीं होगा, किसी घर में बाकी पानी दाखिल नहीं होगा। इस सिलसिले में बल्दी बरती के और वाटर वर्क के इंजीनियर के साथ दौरा किया गया और ये एक रोड क्रॉसिंग में एक पानी की लाइन आई है बाल शक्ति खेत में जो हजरत आबादी रिजर्वर है उसको जो लाइन जा रही है उससे बड़ी लाइन यहाँ पर है। वाटर वर्क के GM कुयरों को बुला के बताया गया कि वो लाइन को ऊपर करना है, उन्होंने कल से काम का आगाज करने के लिए तय कर दिया। और दूसरे ट्रैफिक का सबसे बड़ा मसला है, ट्रैफिक के कंट्रोल करने के लिए एडिशनल DCP बाबूराव साहब को यहाँ पर बुलाया गया, वो ट्रैफिक के मुद्देदारों के साथ पूरा एरिया देखे, उन्होंने कहा कि यहाँ 2-3 जवानों को मुकर्र करेंगे, बैरिकेड लगा के यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने का उन्होंने तय कर दिया, जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहरहाल तमाम आवाम के ताउन से थोड़ी सी मुश्किल तमाम को जाने आने के लिए होगी, उसको बर्दाश्त करके एक बरसों से लोगों को तकलीफ है यहाँ के मकीनों उसको दूर करने के लिए एक बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है। टोटल मैं समझता हूँ कि 4 करोड़ की लागत से ये काम हो रहा है। अब इस टेंडर जो आएगा उन्हें आने के बाद जो दूसरा 18 लाख का ऑडिट है ये पूरा मिला के ये काम होने के बाद बड़ा बड़ा बारिश के दिनों में इस इलाके के लोगों को राहत मिलेगी। हमारे एरिया कॉर्पोरेटर और ढाबे कॉर्पोरेटर मौजूद है MLC रियाज उल हसन अफंदी साहब की भी काफ़ी इसमें कोशिश है, दिन रात इसके पीछे हम लोग कमिश्नर को दिला चुके और हर वक्त इसके लिए काम करते रहे, आखिरकार वो काम शुरू हो गया है। इसलिए हम तवक्को करते हैं कि जल्द से जल्द काम की तकमील होगी। ये काम के लिए इनको टेंडर के एस्टिमेट में 3-4 महीने का वक्त मुद्देदार को दिया गया है। अब लोगों का ये कहना कि बारिश शुरू हो चुकी या 3 महीने के अंदर काम करने से क्या होगा, ये काम ऐसा है कि एक बार हो जाने के बाद 15-20 साल तक बेफिक्री, ये हर साल काम नहीं होता, ये पहली वक्त हो रहा है और इंशाल्लाह 20-25 साल की हद तक होगा ये काम, उसके बाद अगर मसला पैदा होगा तो होगा, लेकिन अब जो काम हो रहा है उसके लिए वक्त होना है। कितना भी वक्त लगने तो काम मुकम्मिल होना पब्लिक को बहुत बड़ी सहूलत और राहत मिलेगी, इसके पीछे मलिशतियात मुस्लिम मिसलने कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह हम जितना हो सके जल्द इस काम की तकमील कराएंगे। मैं तमाम अहदेदारों का फंक्शन बन जाए कमिश्नर का हमारे एडी से एडिशनल DCP का बाबूराव साहब का सीवरेज बोर्ड के लोगों का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसमें दिलचस्पी लेके काम के आगाज का मौका प्रदान किया। आवाम से मेरी दरख्वास्त है कि इस काम में आवाम भी हमारे साथ ताउन करे, शुक्रिया। बोला भाई सर, ये जो यहाँ पर जो नाले का काम हो रहा है सर, उस वक्त ट्रैफिक का ज़्यादा क्राउड रहेगा, ठीक है, तो किस तरीके से रोड डिवाइड करा जाएगा सर? ये बहुत खुशी की बात है, याकूबपुरा मना दबीरपुरा दरवाजे से लेके गंगानगर नाला तक ये नाला का जो रिमॉडलिंग वर्क हो रहा है बहुत ज़रूर है, इसलिए बारिश का सीज़न में ये नाला पूरा भर के पानी आजू बाजू घरों में घुस रहा है, ये रिमॉडलिंग काम हुआ तो ये सीधा हो जाता है, मगर रिमॉडलिंग वर्क अभी शुरू हुआ दबीरपुरा दरवाज़े के ने दबीरपुरा दरवाज़े के ने चंचलगोड़े से आने वाला ट्रैफिक और APAT से आने वाला ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। जब ये वर्क शुरू होता मैं मशवरा दिया आधा रोड काम शुरू करके आधा रोड ट्रैफिक के लिए छोड़ना है। जब ये APAT से जाने वालों का रोड को हम लोग APAT से पुराना वेली याकूबपुरा से गंगानगर नाला उधर डाइवर्ट करेंगे, वैसा ही इस तरफ रोड का जब शुरू होता है चंचलगोड़ा ये फ्लाईओवर कहने जब्बार रेस्टोरेंट है वो जब्बार रेस्टोरेंट से अली केफू अपना शेख फयाज कमान से डाइवर्ट करते हैं। इसके लिए भी हम ट्रैफिक बैरिकेड लगाते हैं और ट्रैफिक का साइनेज भी लगा के पब्लिक को आसान हुआ जैसा उन लोगों को रास्ता बताएंगे।